दिल्ली से आई हुई संगना बजा जहाँ कहीं भी हो। सो टोरंटो में हो रहा है समर स्ट्रीट फेस्ट, टोरंटो में समर्स आ गई है एंड समर्स में यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं क्योंकि पीपल लाइक टू एक्सप्लोर आउटडोर्स, क्योंकि विंटर्स में तो आप इंडोर्स ही रहते हो ज़्यादा। सो टोरंटो में हो रहा है समर स्ट्रीट फेस्ट एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू गो एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। मैंने जितने भी पिक्चर्स देखे हैं सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छी और हैपनिंग लग रही है। लाइव म्यूजिक है वहाँ पर, मैजिक शो है, खाने पीने की बहुत सारी कुजींस हैं वहाँ पर। सो जब से मैं टोरंटो आई हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट फूड फेस्टिवल दैट आई विल बी गोइंग टू एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस फेस्ट। सो बैक इन दिल्ली काफ़ी सारे इवेंट्स मैंने अटेंड करे, बट टोरंटो का ये मेरा फर्स्ट फेस्ट है इन समर्स, दिस समर्स। सो लेट्स सी, आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड आई एम होपिंग कि काफ़ी अच्छा होगा ये, बाकी तो जाकर ही पता चलेगा। सो जाते हैं, देखते हैं कैसा है ये स्ट्रीट फेस्ट टोरंटो में। सो लेट्स गो। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं एट द डू वेस्ट फेस्ट इन द डुंडा स्ट्रीट। किस साइड से स्टार्ट करें यार, लेफ्ट और राइट? एंड आई स्वेयर इट फील्स लाइक द एंटायर टोरंटो इज हियर। सो ये फेस्ट हो रहा है ऑन द डुंडा स्ट्रीट इन टोरंटो एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द लिटिल पोर्चुगल। सो वहाँ पे इतने सारे फूड ऑप्शंस थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इट वाज जस्ट अमेजिंग। सो द बेस्ट थिंग अबाउट टोरंटो और मे बी कैनेडा इज दैट यू डोंट गेट फूड ऑफ जस्ट वन टाइप, एवरी कुजीन इज अवेलेबल बिकॉज एज वी से कैनेडा इज द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर आर हियर एंड व्हाट बेटर वे टू एक्सपीरियंस अदर कल्चर देन ट्राइंग देयर फूड। 14 सो गाइज द फेस्ट वॉज नॉट जस्ट अबाउट फूड, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स दिखे मुझे, यहाँ पर टी शर्ट्स, बहुत सारी एसेसरीज भी थी। सो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे घूमते घूमते मुझे दिल्ली फूड फेस्ट की याद आ गई। आई रिमेम्बर वहाँ दिल्ली फूड फेस्ट में जाते ही एक अलग से तंदूर की खुशबू और एक अरोमा आती थी, बट यहाँ पे वो मिसिंग थी एंड इंस्टेड ऑफ दैट बारबेक्यू की यहाँ पे एक अलग सी अरोमा आ रही थी। फूड की वैरायटी बहुत सारी थी बट द प्रॉब्लम वाज द क्राउड वाज क्रेजी। सो अगर आप ये लाइन देख सकते हो, दिस लाइन वाज फॉर अ फूड वैन व्हिच वाज सेलिंग पिज्जास एंड जूसेस। अभी तो आए हैं एंड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर इतना क्राउड होगा। दिस इज लाइक सो डैम क्राउडेड ओवर हियर, जहाँ मैं कुछ ऑर्डर करने की सोच रहा हूँ वहाँ पर इतनी लंबी लाइन है। एंड वी आर ट्राइंग डंपलिंग्स ओवर हियर, कोरियन डंपलिंग्स। सो दीज आर आवर कोरियन डंपलिंग्स। It's nice but definitely not worth $12. But ye acche hain, these are tasty. So guys you can see yahan par table tennis bhi khela ja raha hai.
क्रेजी इवेंट. तो यहाँ पे घूमते घूमते मेरा मन कर गया कि काश मुझे यहाँ पे बस एक काउंटर मिल जाता गोल गप्पों का, और मुझे अपने फेवरेट सूजी वाले गोल गप्पे मिल जाते हैं यहाँ पे. मतलब आई रिमेम्बर लास्ट मैंने जो गोल गप्पे खाए थे वो कनाडा आने से पहले मार्च में या फेब्रवरी में मैंने कोई वेडिंग अटेंड करी थी, वहाँ पर खाए थे. वहाँ पर 10-12 टाइप के पानी थे. मतलब गोल गप्पों ने भी कितना मॉडर्नाइज करा है कि पहले एक टाइप का पानी आता था, फिर दो टाइप का, और अब देखो कम से कम 10-12-15 टाइप्स ऑफ पानी मिल जाएंगे आपको. सो मेरे को सबसे अच्छा लगता है पुदीने वाला पानी. आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों का सबसे फेवरेट फ्लेवर कौन सा है गोलगप्पे के पानी का. इको फ्रेंडली पिकनिक सेट. दीज वर इको फ्रेंडली पिकनिक सेट. बेसिकली जो पत्तल के डिस्पोजेबल होते हैं प्लेट्स एंड ऑल कटोरीज जो हम बैक इन इंडिया यूज करते आ रहे हैं, यहाँ पर वो $25 के मिल रहे थे, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव. जहाँ कहीं भी हो अभी नाचो काउंटर में दिल्ली से आई हुई संगना बजा जहाँ कहीं भी हो अभी नाचो काउंटर पे आए. देर आर सो मेनी एक्टिविटीज जो हम यहाँ कर सकते हैं. मैजिक शो है, इतनी सारी गेम्स है, प्लस शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे. एंड नाउ आई वॉन्टेड समथिंग टू ड्रिंक. सो वी वेंट टू दिस जूस एंड स्मूदी बार जहाँ पर स्पेसिफिकली पोमेग्रेनेट बेस्ड जूसेस स्मूदीज एंड आइसक्रीम सेल करते हैं. सो वी थॉट टू ट्राई अ पोमेग्रेनेट जूस ओवर देयर एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट. मतलब बहुत ही डिलीशियस था. हमें लगा था लेट आएंगे, थोड़ा हैपनिंग होगा. हैपनिंग तो है. मोस्ट ऑफ द वैन्स आर सोल्ड आउट, पीपल आर पैकिंग अप. सो वी डिडंट रियलाइज कनाडा में जब सब कुछ 9 बजे बंद हो जाता है, तो ये भी हमें वही सोच कर आना चाहिए था यहाँ पर भी. स्टार्ट हुई और आप बस चलते जाओ, लाइन चलती जाएगी. एंड ये यहाँ पर स्टेज है, आई विश कोई लकी अली लगा देता यहाँ पर, यार मजा ही आ जाता. सो हम लोग इवेंट से निकल गए एंड उसके बाद वी वेंट टू दिस इंडियन रेस्टोरेंट टोरोनो फॉर डिनर. दिस प्लेस इज नोन एज मन्नत एंड ये काफ़ी अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज अबाउट दिस प्लेस. सो वी थॉट आज यहीं पर चलते हैं एंड इंडियन रेस्टोरेंट में इंडियन खाना खाते हैं.
So we ordered for keema pav and butter chicken and it was really delicious. So after having dinner, I wanted to have something in sweet और हम पहुंच गए मेरे फेवरेट चूरोस खाने। Let's have churros. So guys, हम लोग अब इवेंट से वापस आ गए हैं और डिनर भी कर लिया हम लोगों ने एंड वी आर गोइंग बैक होम. सो इवेंट वॉज गुड बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड था. जो टाइम लिखा हुआ था इवेंट का वो था 11 AM to 11 PM. सो वी थॉट विल गो इन द इवनिंग एंड हैपनिंग होगा शाम को, मज़ा आएगा, देखेंगे लाइव म्यूजिशियंस वुड बी देयर, इवेंट्स होंगे अच्छे अच्छे. तो बट हम जब पहुँचे काफ़ी काउंटर्स तो सोल्ड आउट हो चुके थे एंड जो सोल्ड आउट नहीं थे वहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी. तो वी वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड क्योंकि बट एनी वेज आई वॉज हैप्पी कि समर्स में हम लोग कहीं आउटडोर इवेंट में गए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर इवेंट्स लाइक दिस एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीकेंड हम कहाँ जाते हैं. बट आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड. सो इफ यू लाइक माई टुडेज वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. क्योंकि मैंने सुना है, बहुत सुना भी है एंड क्योंकि मैंने काफ़ी सोशल मीडिया में इसकी पिक्चर्स देखी हैं, काफ़ी लाइव म्यूज़िक है. सो वहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, मैजिक शो के बच्चों के. सो टोरोंटो यार अब बहुत ही